So, आज का जो episode is going to be super creative. I have with me none other than Hamna Zahid, aka Samosi. School life में सब लोग मुझे छेड़ते थे समोसा करके, क्योंकि मैं समोसा बहुत ज्यादा खाती थी. तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी जो चिड़ है मेरी बेसिकली उसको मैं अपना यूजर नेम बनाऊं. बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत सारा मेकअप करवाया है. आई थिंक एटलीस्ट 8, 9, 10, 11 साल से मैं मेकअप तो करवा रही हूँ, लेकिन आज मेरे चेहरे पे डिफरेंट किस्म का मेकअप होने वाला है जो कि करेंगी समोसी. Hi everybody, this is me Hinalta. Welcome to another exciting episode of Girls Only. So, आज का जो episode is going to be super creative. बहुत सारे मेकअप के हवाले से बात होने वाली है, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं, पढ़ाई इन्होंने की बैचलर्स इन कॉमर्स, फिर ये बन गई मेकअप आर्टिस्ट. उसके बाद इनको अवार्ड मिला ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर 2022. फिर नवंबर में इनका निकाह भी हो गया. इतना कुछ हो गया 2022 में कि इनसे आज हम बात करेंगे. इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है बहुत क्यूट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. और मैंने कहा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इंस्टाग्राम हैंडल का ये भी नाम हो सकता है. आई हैव विद मी नन अदर देन हमना जाहिद एके समोसी. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मुझे ये बताएं आप समोसी के समोसी नाम सोचा कैसे? स्कूल लाइफ में सब लोग मुझे छेड़ते थे समोसा करके, क्योंकि मैं समोसे बहुत ज़्यादा खाती थी. और उसके बाद समोसे बड़े अच्छे लगते हैं. हाय. उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया पे आई तो मुझे मेरा नाम इतना ज़्यादा यूनिक नहीं लगा, जो कि मेरा रियल नेम है हमना. तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी जो चिड़ है मेरी बेसिकली उसको मैं अपना यूजर नेम बना लूँ. तो फिर मैंने समोसी जो है एज अ यूजर नेम सेट कर लिया. वाह. तो यानी कि हमने ये कहना गलत नहीं होगा जो कहते हैं ना कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ. हाँ, कह सकते हैं. लेकिन फिर भी ये कैसे सोचा, क्योंकि हम कहते हैं समोसा, समोसी तो कोई वर्ड नहीं है. लाइक समोसा बहुत ज्यादा ऑड हो रहा था, लड़का वर्जन, यू नो, मेल वर्जन. तो मैंने समोसी कर दिया तो फीमेल वर्जन है. ग्रेट. तो इट्स वेरी गर्ली. और आप आईवी भी हैं गर्ल्स ओनली में. अच्छा, तो मैं आपको क्या बुलाऊं, हमना बुलाऊं या समोसी बुलाऊं? जो भी आपको इजी लगता है दोनों के नाम से. मैं आपको सुनना ज्यादा क्या अच्छा लगता है? हमना भी अच्छा लगता है, समोसी थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए. समोसी कह ले, समोसी कह ले. अच्छा समोसी, आप मुझे ये बताओ, बैचलर्स इन कॉमर्स आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए. सो कॉमर्स पढ़ते पढ़ते मेकअप की फील्ड की तरफ कैसे आ गए? बचपन से मैं आर्ट में ज्यादा थी, बट क्योंकि आर्ट में मुझे सब कहते थे कोई फ्यूचर नहीं है और इस तरीके से नहीं है, क्या कर रही हो, लाइक ड्राइंग्स वगैरह और स्केचिंग वगैरह करती थी, तो कोई सीरियसली नहीं लेता था. तो मैंने सोचा कि चलो कॉमर्स करके देख लेते हैं. फिर मैंने कॉमर्स किया, तभी मैं पढ़ नहीं पा रही थी प्रॉपर्ली, क्योंकि मेरा ध्यान ज्यादातर आर्ट की तरफ ही था और मेकअप की तरफ ही था. बट क्या है, मैंने अल्लाह अल्लाह करके आगे पढ़ा और फिर मुझे आगे जाकर अच्छा अल्लाह अल्लाह करके पढ़ा, दिल नहीं लग रहा था नहीं. तो मैंने बस पढ़ा और फिर मैंने कहा यार बस हो गया. और उसके साथ साथ ही मैं कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ चुकी थी, मैं सोशल मीडिया पे आ चुकी थी. तो मैंने कहा यार इसको ट्राई करके देखते हैं क्या होता है आगे जाकर. तो फिर अब 5 साल बाद मैं कर चुकी. 5 साल हो गए कंटेंट क्रिएशन करते हुए? हाँ, 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में. जबरदस्त. तो फिर हम ना अभी आपने अपना अवार्ड भी जीता है कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर 2022. तो जब अवार्ड जीता तो कैसा फील हुआ? पहले तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मेरे लिए सरप्राइज था. मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं इंटरव्यू के लिए गई हूँ वहाँ पे, बट मुझे इंटरव्यू के साथ साथ अवार्ड मिला तो लाइक थोड़ा सरप्राइजिंग था. बट काफ़ी ज़्यादा जो था इंकरेजिंग फील हुआ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म की तरफ से अवार्ड मिला. इतने साल से मैं मेहनत कर रही हूँ तो उसका कोई नतीजा मुझे मिला है. फाइनली वो जो लोग कहते हैं कि आर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं रखा. हाँ, नहीं है, फ्यूचर है. मुझे ये बताओ कि अभी आप इतने वक्त से यू नो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, शुरू आपने टिकटॉक से किया फिर आप इंस्टाग्राम की तरफ मूव हो गए. मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो टिकटॉक पर हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें टिकटॉकर नहीं बुलाया करो, हम इन्फ्लुएंसर्स हैं. क्या आप भी उन लोगों में से हैं? मैं उन लोगों में से हूँ, क्योंकि मेरा बनता है उन लोगों में से होना, क्योंकि मेरी एक स्पेशल टैलेंट है जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ, और मेरा एक अपना इन्फ्लुएंस है अपनी ऑडियंस को लेके. तो मैं कह सकती हूँ कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ. और अगर आपका इन्फ्लुएंस आपको लगता है कि आपके ऑडियंस जेन्युइनली आपको सुनती है तो आपका इन्फ्लुएंस है और आप इन्फ्लुएंसर हो. सोशल मीडिया पे हर कोई ही इन्फ्लुएंसर है अगर आपकी फॉलोइंग है. अब मुझे ये बताओ समोसी डीएम किस तरह तरह के आते हैं, क्योंकि मुझे बहुत आते हैं डीएम. तो हर तरीके की आवाज, हर प्लेटफॉर्म पर हर तरीके की आवाज. हमें दे दें अपना. हाँ, पिटी लग रही है. हाँ, हमें आपसे मेकअप करवाना है, हम घर आ जाए. मेकअप करवाने घर आ जाए. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी का डीएम आया हो और समोसी रात तक सोचती रही हो कि यार ये क्या डीएम था? हाँ, ऐसे होता है कि मैं क्लाइंट्स नहीं लेती. तो
कहीं ये हुआ था कि बीच में किसी राइडर के थ्रू या किसी के थ्रू ना एड्रेस पता चल गया था किसी को मेरा, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि हम आ रहे हैं कल आपसे, मेरी बहन होगी, मैं होऊंगा, और एक मेल था ये, मैं होऊंगा और हमें आपसे मेकअप करवाना है, मेरी बहन को कल हम आ रहे हैं। और एड्रेस मिल गया ना, टाइम एड्रेस कुछ भी नहीं बताया मुझे, मिला है एड्रेस नहीं मिला मुझे कुछ नहीं पता, पर क्योंकि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ पढ़ा था और मैं सोच रही हूँ यार कल सच में ही ना आ जाए, डर लग रहा था, डर लग रहा था कि कहीं सच में ही ना आ जाए अचानक। बैंक में अच्छी जॉब लगेगी, अच्छी जिंदगी गुजरेगी, रिश्तेदारों ने क्या कहा? मेरे रिश्तेदार से ऐसे कोई कॉन्टेक्ट वगैरह है नहीं, बट सोचते तो सब है, सभी सोचते हैं, सभी एक्सपेक्ट से कोई कांटेक्ट नहीं है। नहीं, मैं अपना पर्सनल कोई कांटेक्ट नहीं रखती। ओ भाई, ये आके इधर बोलना बड़ा करेजियस है वैसे, लेकिन क्यों नहीं रखती रिश्तेदारों से कांटेक्ट? बस मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस है, बाकी आपका बिजनेस, जैसे मैं नहीं पूछती तो आप मुझे मत पूछो, माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, ऐसा ही। तो हम ना, कभी ऐसा हुआ है कि यू नो रिश्तेदारों को रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड समोसी का तो नाम बन गया, इसे कांटेक्ट करना चाहिए दोबारा, हुआ है ऐसा? हाँ ऐसा है, अभी भी लोग समझते हैं कि लाइक मैंने जो बहुत इजी है सीन सोशल मीडिया का, आओ वीडियो बनाओ, टिकटॉक बनाओ, वायरल हो जाओ, फेमस हो जाओ, बहुत इजी है। तो स्टार्टिंग में सोचते थे सब लोग के ना हम भी ये चीज करेंगे, पहले बहुत हेट देते थे कि क्या वीडियो बना रही, मम्मा को भेजते हैं लिंक व्हाट्सएप पे, देखो वीडियो आई है समोसे की, वीडियो आई है, हमने है ना ये हमने। लेकिन समोसे की वजह हुई थी जिसकी वजह से यू सेड किया मुझे नहीं रखना कांटेक्ट? नहीं, ऐसा कोई मजा नहीं थी, मतलब कांटेक्ट खत्म कर दिया। सब कहते थे रिश्तेदारों से नहीं, रिश्तेदार अच्छे नहीं, रिश्तेदार अच्छे, तो मैंने कहा मुझे रखना ही नहीं है कांटेक्ट। और हम लोग बेसिकली कराची में रहते हैं और बाकी सब पंजाब में रहते हैं, तो यहाँ पे कोई है भी नहीं, तो इसलिए भी फोन वाला कांटेक्ट, हाँ फोन वाला कांटेक्ट है जो मैं नहीं रखती। सही है। अच्छा, समोसी है, जितना मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, ऑब्वियसली मैं टिकटॉक कम्युनिटी के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ, आप सब एक तो बहुत यूनाइटेड हो, बहुत मेहनती हो, यू नो 30 सेकंड या 40 सेकंड में वो सारा एक फन दिखाना और क्रिएटिविटी दिखाना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा होता है लड़ाइयाँ हैं, जेलेसी है इस कम्युनिटी में कहीं ना कहीं, ऐसा है या नहीं है? है तो बहुत सारे बीफ है आपस में लोगों का होता है, पर मेरा एज सच पर्सनली किसी से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव रही हूँ और लोग मुझे लेके भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि एज आई सेड थोड़ा यूनिक कंटेंट था तो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ हेट वाली बात है नहीं कि मैं किसी से पर्सनली जाके लड़ूं और कोई मेरे लिए लड़े, कोई स्टोरीज लगाए और फटा फटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे किसी से कोई भी लड़ाई नहीं है। ग्रेट। तो समोसी इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे लोग, अब तो कितने सारे लोग हैं जो अपने यू नो मेकअप स्किल्स दिखा रहे हैं, डांस स्किल्स दिखा रहे हैं, एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे हैं, कोई एक ऐसा शख्स या दो तीन भी वैसे नाम ले सकते हैं जो आपको लगता हो कि यार दिस पर्सन इज माई कॉम्पिटिशन, ये मेरा कॉम्पिटिशन है? नहीं, एज इन कॉम्पिटिशन की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ सबकी अपनी अपनी स्पेस है और ये बहुत बड़ी है, वर्सेटाइल है ये जगह, आप ले सकते हो अपनी स्पेस आ, तो कॉम्पिटिशन वाला ऐसे मैंने किसी के साथ सीन रखा ही नहीं है, और ना मैं समझती हूँ कि कॉम्पिटिशन है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन नहीं करती, आपकी अपनी जगह आप ले सकते हो, अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से बेटर करना है, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए कॉम्पिटिशन की जरूरत है, तो मैं कॉम्पिटिशन खुद से रखती हूँ, पहले वाला कॉन्टेंट देखती हूँ, फिर अभी जो बनाया था उसको इम्प्रूव करना है वाला, तो ये खुद के साथ कॉम्पिटिशन होना जरूरी है। ठीक है, समोसी कोई ऐसा कॉन्टेंट जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो और आप बोलते हो यार प्लीज ये टिकटॉक पे नहीं अपलोड किया करो, ये इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं किया करो, जिसको देख के आपको बंद कर दिया फोन? लेकिन कौन सा ऐसा कॉन्टेंट जिसको आप देखो कहते हो क्यों है? मुझे नाम याद भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि फॉर यू पेजेस पे और ये और इन्फिनिटी है आपकी स्क्रोलिंग जो आप कर रहे हैं, तो वही ना मुझे समझ में नहीं आता, काफी दफा बीच में आता है क्या पॉइंट था इस वीडियो का, मतलब किस तरह का वीडियो, कौन सा ऐसा कंटेंट है समोसी एडवाइस करेगी कि प्लीज ये नहीं डाला करो? बेसिकली क्रिंज वीडियोस होती हैं। क्रिंज वीडियोस? कौन सी क्रिंज वीडियोस? जैसे कि लाइक I don't know how to explain. चलो समोसी कह रही कि नहीं मैं नहीं बता सकती मुझे ऑफ कैमरा वीडियोस नहीं डाला करो, वो किसी को अच्छी नहीं लगती है। ठीक है ऑलराइट, वैसे क्रिंज वीडियो में भी काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, वो मैं ऑफ कैमरा पूछ लूंगी। ओके अच्छा, एक हम काम करने वाले हैं समोसी वो ये हम करने वाले हैं कि मैं आपके सामने कुछ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगी, ठीक है, उनके मैं नाम लूंगी, हमारे पास ये प्लशी टॉय है और आपने बताना है कि आप उनके कॉन्टेंट से ना खुश हैं या फिर आप उनके कॉन्टेंट से खुश हैं। ओके
ठीक है, तो जब जब आपको लगे कि आप खुश हैं तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो. ठीक है, आप इसकी दोनों साइड देख लो, पर्पल उदास वाली है, ब्लू मुस्कुराने वाली है. ठीक है, तो कुछ हमारे पास जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका हम नाम लेंगे और हमें बताएंगी समोसी के उनका कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, मतलब यानी कि समोसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता. ओके, जन्नत मिर्जा. नाइस, अच्छा है. अच्छा है, ठीक है. जब मैं ना यूं करके प्लस शी को देख रही हूँ. हरीन शाह. ओके, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है. ओके, जुल्कर नैन एंड कमल. यू लाइक दिस? ओके, मुलाकात हो तो मैं रुमैसा को बताऊं, रुमैसा यू आर सो टैलेंटेड. ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइबा खुर्रम. एक से दो नाम लिए हैं, आई थिंक एक ही नाम लिया है जिसको यू नो समोसी ने कहा कि मुझे इनका कॉन्टेंट समझ नहीं आता. अच्छा, 30 सेकंड की वीडियो बनाने में सबसे ज्यादा टाइम कितना लगा है? 30 सेकंड, क्योंकि मेरा मेकअप से रिलेटेड कॉन्टेंट होता है तो मुझे तो 10 घंटे मेरे लगेंगे, पर उनके लिए वो 30 सेकंड जो है तो बहुत मेहनत है यार. कितना लगा है किसी लुक में? 16 to 18 hours. मैं तो हैरान हूँ कि यार, वेल डन, गुड जॉब. ये बड़ा मतलब मुझे अभी रियलाइज हो रहा है, मुझे लग रहा था शायद आप इतने एक्सपर्ट हो चुके, आप हो भी तो मुझे लगा कि शायद इतना टाइम नहीं लगता होगा. यही मसला है कि जितना आप एक्सपर्ट हो जाते हैं उतनी आपको परफेक्शन चाहिए होती है. ओह माय गॉड, उस चीज को परफेक्ट करने के चक्कर में ना आपको ज्यादा टाइम लगता है. ओए होए होए होए. अच्छा समोसी, कोई ऐसा लुक हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो जो इंस्टाग्राम पर हो जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगाओ? अभी मैंने रिसेंटली किया था एक ऑरेंज कलर का, वो स्कल वाला लुक था, वो उसमें मेरा टाइम लगा था. एंड देन ब्लू कलर का था एक मेरा, और चाइना ग्लास होता है उस पर बनाया था. तो वो जो आप जो पहला वाला कह रहे हो उसमें कितने घंटे लगे थे आपको उसमें स्कल वाले में? 7 hours. और जो दूसरा वाला है उसमें लगे थे मुझे 18 hours. ओ माय गॉड, क्योंकि उसका पूरा हेड पीस था और उसके साथ पूरी बॉडी पेंटिंग भी थी, हैंड पेंटिंग भी थी, तो इस तरीके से. क्योंकि हम लोग स्टेंसिल्स यूज नहीं करते, हम घर वाले परेशान नहीं आ जाते कि मतलब लगी हुई हो बेटा क्या होगा, बेटा कुछ खा लो, बेटा कुछ पी लो. तो रात में करते हैं, रात को शुरू करते हैं 12 बजे तक और शुरू करते हैं, पर सुबह तक करते रहते हैं. ठीक है. हाँ. अच्छा, नवंबर 2022 में माशाल्लाह यू गॉट निकाह फाइट. हाँ. माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस. तो हम ना मुझे ये बताओ कि ऐसा होता है कि खानदान में जब शादियां हो तो लोग बोले समोसी हमारा मेकअप कर दो ना, समोसी हमारा मेकअप कर दो ना. मेरे साथ खुद भी ये मसला है कि मैं किसी का मेकअप देखती हूँ, मिल जाता है और थोड़ा सा मैं जरा इधर से अच्छा, खुद कहती हूँ कि मैं कर देती हूँ, कर देती हूँ. पर मेरे निकाह पे ऑब्वियसली सबको, मेरी बहन का निकाह था मुझसे पहले, तो उसके निकाह पे मैंने सबको तैयार किया था, एंड में मैं रह गई थी. सब निकल चुके थे. कितने लोगों को तैयार किया? 10. तो मैंने सबको तैयार किया, छोटे बच्चों को देख के, बड़ों को सबको तैयार किया, और उसके बाद मैं रह गई थी, एंड में सब निकल गए थे. मैं जदीद ने को करके फिर निकली थी, और इस बार मैंने कहा सब, मुझे सबसे टेंशन खुद से ज्यादा ये थी कि बाकी सब कैसे तैयार होंगे. That's so positive, so sweet, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. समोसी से हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं. समोसी, अब ये होने वाला है कि मैं आपके सामने कुछ अल्फाज बोलूंगी, ठीक है, और आपने उन अल्फाजों का मतलब बताना है. Okay. अब वो अल्फाज सिंधी भी हो सकते हैं, पंजाबी भी हो सकते हैं, हैदराबादी उर्दू भी हो सकती है, बहुत सारे अल्फाज हैं हमारे पास. ठीक है, और आपने मुझे बताना है कि यार इसका मतलब ये है. अच्छा, पता नहीं इसका मतलब नहीं हो सकता, मुझे मतलब चाहिए उसका. गलत भी बता दूं? हाँ बेशक गलत बता दूं. उसके ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है. गलत ही होगी फिर. ठीक है, पहला हमारा लफ्ज है हेलो हेलो. हैदराबादी उर्दू हेलो हेलो. हेलो 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 हेलो, दोनों एक साथ बोलते हैं हेलो हेलो. हाँ, एक साथ एक, है. एक नहीं हो सकता. आई थिंक जल्दी जल्दी. मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हेलो हेलो का जल्दी जल्दी मतलब नहीं होता. हेलो हेलो मीन स्लो स्लो. या ओके. और मैं भी यही सोच रही हूँ, हेलो हेलो का मतलब जल्दी करो जल्दी करो. हाँ. अच्छा, अगला जो हमारा वर्ड है वो ये है, उस्ताद प्लग शॉर्ट हो गया. हाँ ये मुझे पता है, ये गुस्सा आ गया अचानक, गुस्सा आ गया. कराची लैंग्वेज है. वेरी नाइस वेरी नाइस. ओके, एक और वर्ड है, मिला दिए. मिला दिए मिला दिए.
ये उर्दू ही है, ये भी हैदराबादी उर्दू है, ये नहीं पता मुझे। देखो मुझे अगर मेरे एक्सप्रेशन देखकर समझ आ रहा है, मिला दिए हो गया, मिला दिए क्या हो गया, क्या ऐसा क्या मतलब, क्या हो गया, मिला दिए काम हो गया, क्या काम हो गया पता नहीं पता नहीं, मिला दिए मींस कर दिया खराब, कर दिया हो गया खराब, मजा आ गया तुम्हें अब, अच्छा बट नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। अगला हमारा वर्ड है अन्नी मचा दी। अन्नी मचा दी मतलब बहुत अच्छा कर दिया या यस 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 ओके। अगला है स्यापा पाके, काम खराब हो गया, यस 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 गुड 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 गुड। अगला है जुगाड़, जुगाड़ का क्या मतलब है, मेरे दिमाग में शॉर्टकट कभी ना आए, सो वेल डन। हमारा आखिरी है और मेरी बड़ी उम्मीद है आपसे कि आप इसको समझ जाएंगी, जम्मे गफीर। जम्मे गफीर क्या लग रहा है, जम्मे गफीर क्या होगा, रॉयल लग रहा है, जम्मे गफीर क्या लग रहा है, जम्मे गफीर क्या होगा इसका मतलब, खाना तो बहुत रॉयल रॉयल लग रहा है, रॉयल के अलावा और क्या। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, मैं एक्सप्रेशन करके बताती हूँ, सेंटेंस में यूज करती हूँ, बड़ा जम्मे गफीर, बड़ा जम्मे गफीर, मैं वहां गई जम्मे गफीर क्या मतलब, बहुत अच्छा था, नहीं 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 मैं वहां गई जम्मे गफीर, वोट डालने गई जम्मे गफीर, yes! मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ, लेकिन वेल डन समोसी, वेल डन। सो यस ये हमारा बेहतरीन सेगमेंट हुआ है समोसी के साथ, समोसी बहुत मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा। लेकिन अभी हमारा शो एंड नहीं होता क्योंकि आप सबके लिए एक सरप्राइज है जो कि समोसी करने वाली है मेरे लिए, मेरे लिए होने वाला समोसी। इतने आराम से फेवर्स नहीं देती समोसी ने कहा कि मैं क्लाइंट्स नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ अपने दोस्त रिलेटिव्स के लिए करती हूँ। आई एम द स्पेशल वन, आई एम द लकी वन जो आज हम ये करने वाले हैं एक्टिविटी, लेकिन उसके लिए हम जाएंगे गर्ल्स ओनली के स्पेशल एक्टिविटी एरिया में। वी आर हियर इन द एक्टिविटी एरिया ऑफ गर्ल्स ओनली, एंड आई एम सुपर डुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि हमारे पास जो आप एक मेकअप स्टेशन देख रहे हैं क्या होने वाला है एग्जैक्टली। बहुत सारे लोगों से मैंने बहुत सारा मेकअप करवाया है, आई थिंक एटलीस्ट 8, 9, 10, 11 साल से मैं मेकअप तो करवा रही हूँ, मुझे आज तक मेकअप करना नहीं आया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज मेरे चेहरे पे डिफरेंट किस्म का मेकअप होने वाला है जो कि करेंगी समोसी। सो समोसी क्या सोचा है मेरे चेहरे पे आज, अब क्या क्रिएटिव मेकअप करने वाले हो? मैंने एक बहुत क्यूट सा लुक सोचा है जो ज़्यादा हैवी नहीं होगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, तो इट्स अ सरप्राइज जो कि आपके बारे में देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, इट्स अ सरप्राइज, लेकिन ऐसा नहीं है कि समोसी मेरा मेकअप कर रही होंगी तो मेरी और समोसी से बात नहीं हो पा रही होगी। हम समोसी से पूछेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में कि लोकल मेकअप, इंटरनेशनल मेकअप, मेकअप की पहचान कैसे होनी चाहिए, ऐसा कौन सा मेकअप जिसे कभी एलर्जी हो गई हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो मेरी और समोसी की पोजिशन चेंज हो जाएगी, मैं आ जाऊँगी सोफे पर और समोसी आ जाएंगी अपने स्टेशन के पास। यस समोसी प्लीज़ कम। अच्छा घर में कौन कौन समोसी बुलाता है? घर में तो कोई नहीं बोलता है सच, बट ये है कि जान पहचान के जो लोग हैं लाइक फ्रेंड्स वगैरह जब वो आते हैं तो वो समोसी समोसी करते हैं। okay. हाँ वरना ज्यादा मुझे ऐसा कोई समोसी बोलता नहीं है, घर में हम नहीं बोलते हैं। अच्छा वैसे समोसी आप मुझे ये बताओ कि बहुत सारी लड़कियाँ लोकल मेकअप यूज कर रही होती है, लोकल एज इन कॉपी, लोकल तो खैर गलत वर्ड है, कॉपी यूज कर रही होती है, तो वो कितना गलत और कितना सही है? असल में ना हमें लोकल का ये नहीं पता कि वो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो वही इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि वो कॉपी बना रहे हैं तो वो ओरिजिनल वाले कॉपी कर देते हैं, पीछे लिख देते हैं वही वाले, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। ऐसा कौन सा आप कहते हो कि यार ये जो केमिकल है ना, अगर आप किसी प्रोडक्ट पे पढ़ लो इसको तो लेना भी नहीं, छेड़ना भी नहीं, चेहरे पे नहीं लगाना? बहुत ज्यादा है, जैसे स्पेशली मर्करी, मर्करी हमारे बहुत ज्यादा होता है मेकअप में, हमें पता भी नहीं है कितना मेकअप में मर्करी यूज होता है। तो यह है कि मर्करी पर हम ऐसा है भी नहीं कि लाइक किसी प्रोडक्ट में ना हो बिल्कुल, अच्छा डलता ही डलता है, और मर्करी सबसे ज्यादा हार्मफुल है। तो जैसे मेरे अंदर ये गंदी आदत है कभी कभार, खैर इतनी अब तो खैर खत्म हो गई है, इतनी नहीं है, ये कि जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना मैं मेकअप के साथ सो जाती हूँ, नहीं हाँ तो
नहीं, ये बहुत बहुत बुरी आदत है वैसे, बट क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था मैं भी ये चीज करती थी, और अभी भी काफी लोग हैं जो ये चीज करते हैं मेकअप के साथ, सो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टायरिंग होता है, वो सो जाते हैं कभी-कभी, बट उसके लिए भी एहतियात है, लगा आप डबल क्लींजिंग कर लो। हाँ मतलब आपने बेड के बराबर में अपनी साइड टेबल पे क्लेंजर्स रख लो, वाइप्स रख लो, कि अगर नहीं दिल करा मुंह धोने का तो आप एटलीस्ट रिमूव कर लो, और सुबह उठ के भी लाइक डबल क्लींजिंग कर लो अगर, तो ज्यादा बेटर है। तो इससे ये होगा कि लाइक डर्ट जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से स्किन से जो है वो रिमूव हो जाएगा। सही। अच्छा समोसे सस्ता मेकअप कहाँ से मिलता है? क्या ये रीजनेबल समोसे बोले कि सस्ता मेकअप होता ही नहीं है? सस्ता मेकअप मैं मुझे रीजनेबल मेकअप चाहिए, मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती अपने मेकअप में, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मैं ये उम्मीद सस्ते में बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, अफोर्डेबल भी अगर चाहते हो तो उसमें भी ओरिजिनल मेकअप भी अफोर्डेबल है, और लोकल मेकअप जो है वो थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल है क्योंकि वो लोकल है। हाँ। और उसमें नहीं पता कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह डले हुए हैं और क्या किस जगह पे बना हुआ है, बेसिकली चीज़ बहुत मैटर करती है। सही। तो इसी वजह से अगर आप सस्ता मेकअप लेना चाहते हो, थोड़ा अफोर्डेबल साइड पे जाना चाहते हो, तो मेबेलिन इज़ अ वेरी अफोर्डेबल ऑप्शन। यहाँ रिवाज है और ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं जिनका मेकअप बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ओके। अच्छा वैसे एक और चीज़ भी है कि अभी आप मेरे मेकअप कर रहे हो, तो मैं भी आपके मेकअप स्टेशन पे देख रही थी कि पेंट्स भी थे और मेकअप भी था, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। यस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ। पेंट्स भी होते हैं और किसी और का मेकअप समझ आता है, किसी और से मेकअप आराम से करवा लेते हो? हाँ, लाइक मैं अगर ऑब्जर्व करूँ काफ़ी टाइम तक किसी को और फिर मैं करवा सकती हूँ मेकअप, फिर मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, पर मेरे ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अचानक से भी किसी के सामने नहीं बैठ सकती कि मेरा मेकअप कर दो। ओह, यानी कि आप स्पेसिफिक हो। हाँ, कि कौन मुझे मेकअप कर रहा है। इस चीज़ को लेके हाय मज़ा आ रहा है, ब्रशेस कितने अच्छे हैं, नाइस लग रहा है, चेहरे पे मसाज हो रहा है। वैसे समोसी मैं सोच रही हूँ इसके बाद मैं भी अब आपका एक लुक क्रिएट करूंगी। हाँ करें करें, आई एम एक्साइटेड। लेकिन मुझे एक बात बताओ, समोसी मेरा मेकअप तो देखा ही नहीं है, कैसे पता फिर? समोसिनी का क्या कर लेना होगा आपको? ज्यादा आप चीक्स पे पिंक कर देंगी, लिप टिंट बोल देंगी लगा लो। हाँ ऐसा भी हो सकता है, आप यहाँ पे छोटे छोटे हार्ट्स बना लो, इतना क्यूट लगेगा। अच्छा वैसे समोसी मेरा जो मेकअप है ना वो टिंट से शुरू और टिंट पे ही खत्म है। मेरा भी मेकअप ऐसा ही है, नॉर्मल डेज में भी ऐसे ही टिंट पे शुरू और टिंट पे खत्म। ऐसा क्यों है वैसे, हम लड़कियों में लिप टिंट का इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि मेरे घर वाले कहते हैं हिना के पास हर शेप और हर साइज का लिप टिंट, मेरे पास टॉफी लिप टिंट है, मेरे पास कैंडी लिप टिंट है, मेरे पास यहाँ तक कि आई हैव दिस कंटेनर दैट लुक्स लाइक अ लॉलीपॉप, उसके अंदर भी लिप टिंट है। सो मेरे घर वाले कहते हैं क्या पागलपन है, आई एम ऑब्सेस्ड विद लिप टिंट्स। इनफैक्ट मेरे पास एक ऐसा भी जार है जिसको देख के लगता है कि शायद इसमें ऑयल होगा, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली लिप टिंट है। सो क्रेजी अबाउट लिप टिंट्स। अच्छा समोसे कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा मेकअप यूज किया हो और एलर्जी हो गई हो? ऐसा तो बहुत ज्यादा होता है कि लाइक वही है कि लोकल मेकअप वगैरह होता है ना। हाँ। तो उस वजह से होता है ऐसा सीन कि नहीं सूट करता आपको काफी चीजें। अच्छा वैसे पता है एक बात बोलूं मैं, ये मुझे बोलते हुए रियलाइज हुआ लोकल मेकअप हम गलत कह रहे हैं, हमें कहना चाहिए कॉपी। नहीं, पाकिस्तानी मेकअप लोकल कहलाया जा सकता है, अच्छे ब्रांड। नहीं तो वही तो मैं कह रही हूँ, बट देयर आर सो मेनी गुड पाकिस्तानी ब्रांड्स आल्सो ना। अब कुछ गीला गीला लगना शुरू हो चुका है। अच्छा समोसी अभी आप कह रहे थे कि मुझे पानी चाहिए, मुझे अपने पेंट्स एक्टिवेट करने हैं, क्या मतलब है यहाँ पर? मतलब बहुत कुछ एक्टिवेट होता है लेकिन पेंट भी एक्टिवेट करना है? हाँ, जो वाटर बेस्ड पेंट्स होते हैं ना उनको जरूरत होती है कि आप उनको पानी से एक्टिवेट। तो वो एक्टिवेट कैसे होते हैं? कि वो पानी यूज कर सकते हैं फिर उनको, वरना वो ड्राई होते हैं, जैसे पानी डालते हैं उसमें तो आप यूज कर सकते हो इजीली। और मुझे समोसी ने बताया कि जो हम केक लाइनर यूज करते हैं वो भी एक्टिवेट होता है। ओके। एक पैन में आता है ना छोटा सा, वो एक्टिवेट होता है। अगर आप जेल लाइनर ले रहे हो तो उसके लिए अलग से एक्टिवेटर आता है।
बड़ी साइंस है, ये पता नहीं थी मुझे। मेकअप है बहुत साइंस है, लोगों को समझ में आता है, इतना इजी नहीं होता है मेकअप, चाहे वो कोई भी मेकअप हो, अगर आप ग्लैम मेकअप भी कर रहे हो वो भी इजी नहीं है। जल्दी जल्दी कर दें कितना क्यों उतना टाइम लग रहा है, मेकअप आर्टिस्ट को नॉर्मल इतना टाइम दिया नहीं जाता है, तो ये एक चीज है कि नहीं मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकअप के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा वैसे समोसी अम्मी ने कभी मेकअप करवाया है? हाँ मम्मा का मेकअप करती हूँ, मम्मा का मेकअप मैं करती हूँ। तो मम्मा को कैसा लगता है मेकअप? मम्मा को अच्छा लगता है मेकअप, सबको ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैंने किसी का मेकअप किया हो अच्छा अच्छा ना लगा, ऐसा नहीं हुआ अभी तक तो, वरना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी मुझे। वैसे सही बात है। ओके ऐसे मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मेरे चेहरे पे क्या बन रहा है, अल्लाह करे जो बन रहा हो वो अच्छा लगे। हाँ आई होप आपको अच्छा लगे, वैसे मैंने बहुत सोच समझ के चूज किया है, बट ओके लेट्स सी। अच्छा समोसे पीछे जो आपका पूरा मेकअप स्टेशन है इस वक्त, उसमें पेंट्स भी है, मेकअप भी है, सब कुछ है, मुझे बताओ कि इसकी क्या कॉस्ट होगी जो अभी मेकअप स्टेशन अभी आपके पास पीछे है मौजूद, तकरीबन कितने रुपए का हो गए? अभी इसमें सारा एक्सपेंसिव मेकअप है मेरा, हाँ तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 इतने का मैं लेकर आई हूँ अभी। लेकिन सुनो आपका मुझे तो एक एक पैलेट 10,000 का लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता है 15-20,000 रुपए का, इससे ज्यादा है। आई थिंक दिस इज एटलीस्ट 1 lakh, ये एटलीस्ट मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें ब्रशेस भी हैं, इसमें ये सारे पैलेट्स भी हैं। 15-20,000 इस डर से बोला है कि कोई चोरी ना कर ले आके। हाँ शायद, और मैं खुद को भी आसरा दे रही हूँ कि चलो अगर कुछ हो गया इसको तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। क्योंकि मैं थोड़ी क्लमजी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं गुम वुम ना कर दूँ चीज़ें। ओहो लेकिन आप कैसे क्लमजी हो सकते हो, क्योंकि आप यू नो जिस स्टेडी हाथ जितना रखना पड़ता है, मुझे लगता नहीं कि आप क्लमजी हो, आपको लगता होगा। मैं नहीं हूँ, शायद शौक में नहीं हूँ, बट वैसे मैं हूँ थोड़ी सी, अभी मेरा पैर इंजर्ड है इसी वजह से। कैसे इंजर्ड है? कि मैं चलते फिरते गिरती रहती हूँ। ओह गॉड, क्या उन्हीं लोगों में से कि अम्मी अब्बू कहते हैं कि ब्रूस बेटा कहाँ से आया, पता नहीं राइट, इसी में से हुआ। अच्छा समोसी अभी आप मुझे ऑफ कैमरा बड़े मजे की बात बता रहे थे, समोसी ने मुझे बताया कि जो ब्रांड्स हैं जब वो आपको कहते हैं कि हमें इस तरह का लोगो चाहिए है, इस तरह की ट्रांजिशन वीडियो है, और एटलीस्ट 10 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगते हैं एक यू नो एक क्रिएशन करने में चेहरे पे, सो उसके बाद ब्रांड फिर क्या बोलता है, आप खुद बताओ। मोस्टली ब्रांड्स को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि हमें कितना टाइम लग रहा है। सैड, जबकि इसकी ज्यादा कदर होनी चाहिए मुझे लगता है। मुझे इतनी कदर हो गई है ना आज इस आर्ट की, से मेरा दिल जानता है। तो उनको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके लिए वो 30 seconds की या 60 seconds की वीडियो है, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत है उसके पीछे। तो like क्या कहते हैं जब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वीडियो आ गई, ठीक है, तो ब्रांड अब क्या कहता है कि आप ना फीडबैक दे रहा होता है? या तो लोगों ने पसंद आया उनको अपना, या तो काफी दफा मुझे ऐसा भी हुआ कि मुझे रीमेक करने को बोला गया है कि वापस से करो पर थोड़ा सा डिफरेंट करो या कुछ ये डिटेल ऐड कर दो, और मैं नहीं कर सकती 10 घंटे का मेकअप बार बार। अच्छा कभी ऐसा हुआ कि किसी ब्रांड को बोला कि माजरत मैं नहीं कर सकती? हाँ मैंने बहुत सारी कैंपेन्स इसी वजह से छोड़ी हैं कि आप अपने पैसे अपने पास रखें। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतनी मेहनत करके, मेरी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी हेल्थ होगी तो मैं कर पाऊंगी ना काम, तो मैंने ये चीज छोड़ी भी है। काफी मैंने कैंपेन्स इसी से छोड़ी है कि आप कदर नहीं कर रहे बेसिकली। एग्जैक्टली, और मुझे समोसी बता रही थी कि मैं एक बड़ी लंबी मीटिंग करती हूँ ब्रांड के साथ, मैं उनको पूरा अपने डिजिटल आईपैड पे पूरा बना के देती हूँ कि मुझे इस तरह से मैं आपको बना के दूंगी, चीजें करके दूंगी, उसके बाद भी अगर वो कह रहे हैं फिर नहीं समझ आता। सो प्लीज मैं ये नहीं कहती कि इस आर्ट की कदर करो, किसी की भी मेहनत की कदर करो, किसी की भी मेहनत की कदर करो। आपको लगता है कि आप 10-15 सेकंड की वीडियो है ऐसे ही बन जाएगी और उसमें हम नुक्स निकाल लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, सबकी मेहनत होती है, हर चीज के पीछे हर कॉन्टेंट क्रिएटर की मेहनत होती है अपने तरीके से, चाहे जो भी उसका कॉन्टेंट हो भले। अच्छा समोसी कभी ऐसा हुआ है कि YouTube खोला और कोई ट्रिक सीखने की कोशिश की हो और कहा हो कि यार ये ट्रिक तो मेरे हाथ लग ही नहीं रही है, समझ नहीं आ रहा है कैसे किया इसने? ऐसा है कि लाइक स्टार्टिंग में मुझे ना SFX का जब शौक चढ़ा था तो उसमें बॉल कैप्स लगती हैं, मतलब पूरे जॉब को हेयरलेस कर देती हैं ना, वो मूवीज में यूज होता है, पूरे बाल होते हैं वो कवर करके। मैं समझ गई, यस यस यस, वो बॉल कैप्स होती है, मुझे वो लगाना नहीं आती थी,
तो मैंने उसके पीछे बहुत 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 स्ट्रगल किया है, बहुत टाइम में उसको लगाने की प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि वो बहुत सीमलेस होनी चाहिए, आपके एक भी बाल नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल ब्लेंडेड होना चाहिए। तो उसके पीछे मैंने काफ़ी मेहनत की है सीखने बॉल कैप्स लगाने में। कभी ऐसा हुआ समोसी बीमार ही पड़ गई हो उतना कुछ करके? ऐसा तो बहुत होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ तो आपको काफ़ी टाइम खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा बैठ करना पड़ता है, और मेरी बैकबोन का भी इशू इसी वजह से हुआ था, क्योंकि मैं खड़े होकर पहले क्लाइंट्स लेती थी, मैंने क्लाइंट्स लेना छोड़े, फिर उसके बाद क्लाइंट्स लेना छोड़ दिया, तो फिर अब बैठ के भी इतना टाइम आपको करना पड़ता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बैक में इशू हो जाता है। या ऑब्वियसली बात है, आप इतने टाइम एक एक जगह पर बैठे रहते हो, आप खाना नहीं खाते हो, तो मेरे दिन की प्रॉपर एक ही एक टाइम की मील होती थी सिर्फ, ओह माय गुडनेस, जो कि सिर्फ 8-9 बजे होती थी। अच्छा, क्लाइंट्स मतलब ऑब्वियसली एवरीवन इज यू नो रिस्पेक्टेबल, आपने सबकी इज्जत तो करनी ही है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज हो समोसी जो आप कहो कि यार इस क्लाइंट ने ना यार मुझे तो तंग ही कर दिया है, बहुत मुश्किल क्लाइंट था, मैंने इसीलिए क्लाइंट्स लेना छोड़ा। क्या वो एक कॉमन चीज जो वो तंग करते हो? लोगों को नहीं समझ आता कि कैमरे में मेकअप बहुत ज्यादा डिफरेंट लगता है, तो देसी के जो शीशे में दिख रहा है वैसा ही कैमरे पे दिखेगा, के लिए लिहाज से मेकअप करते हैं, क्योंकि फोटोशूट पे जाना होता है लोगों को, तो मैं कॉन्टोरिंग ज़्यादा हैवी करनी होती है, आपको आईज थोड़ी सी हैवी रखनी होती हैं, आपको लिप्स थोड़े से तरीके से रखना, तो लोगों की चीज़ समझ नहीं आती है, फिर जब बाद में पता चलता है ना लोगों को, तो लाइक आप देखो ट्रस्ट द प्रोसेस वाला सीन है मेकअप। अच्छा, वो ये लोग तो नहीं जो हर थोड़ी देर के बाद शीशा देखते हैं, दिखाओ 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 हम कैसे लग रहे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हाँ ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है तभी आप मेकअप आर्टिस्ट के पास आए हो। अच्छा, एक चीज है कि अगर आप एक दफा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अगर आपने एक दफा अपना मेकअप आर्टिस्ट लॉक कर दिया है, उसको एक दफा अपना पूरा प्रोसेस करने दो, उसके बाद आप आईने में देखो अपने आप को, अगर आपको फिर लगता है कि यार ये लाइनर थोड़ा सा ऐसे, आई शेडो थोड़ा सा ऐसे, ऑब्वियसली आपका मेकअप तो डिफरेंट है, उसके बाद आप उसको फीडबैक दो। ये स्टेप टू स्टेप फीडबैक देने से आप भी कंफ्यूज रहोगे और आपका बेचारा मेकअप आर्टिस्ट भी कहेगा कि यार क्या क्या थी वो लाइन के उस्ताद, क्या क्या था वो वर्ड मैंने जो पूछा था, उस्ताद बटन शॉर्ट हो गया है, मीटर प्लग 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 प्लग, मैं खुद पूछ के खुद ही भूल गई, फिर समोसी कहेगी कि उस्ताद मेरा प्लग शॉर्ट हो गया है। अच्छा समोसी, ये तो ऑलमोस्ट डन होने वाला है, एक आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी आपको मेकअप करते हुए, ये कि बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है जब वो फाउंडेशन लगाते हैं चेहरे पे, तो वो बेचारे ना एकदम से ऐसे 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 कर रही होती हैं, बस ये ब्लेंड हो जाए, ये बस मिक्स हो जाए, तो ये कितना गलत है, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ ना, यू हैव वेरी सॉफ्ट हैंड, हल्का 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 सा हो रहा है। नहीं, वही है कि मेकअप में ना ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लेंडिंग इज द की, तो आपको ना अपना हाथ हमेशा लाइक एंगल्स मैटर करते हैं, आप ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ब्रश के, कोई भी नहीं बताता किसी को भी, ये हर ब्रश का एक प्रेशर पॉइंट होता है, आपको प्रेशर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो ब्लेंड करना इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ ब्रश से, ठीक है, फिर आप प्रॉपरली इसको ब्लेंड कर लो, उसके बाद आप ब्लेंडर से जाओ फेस, ओके, तो आपके पास इतनी अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है उससे कि कोई क्रीजेस नहीं होती हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। अच्छा समोसी, आई नो कि आप क्रिएटिव साइड पर हो मेकअप के, मतलब आपका डिफरेंट सॉर्ट का मेकअप है, लेकिन मैंने अमूमन देखा है शोज में लोगों को ये कहते हैं मेकअप आर्टिस्ट को, जितना अच्छा मेकअप अपने हाथ से कर सकते हैं ना अपनी उंगलियों से, उतना अच्छा मेकअप नहीं हो सकता, इज इट ट्रू? ऐसा है क्योंकि आपके हाथ में ना एक वार्मथ है जो ब्रशेस में नहीं है, वो एक नेचुरल चीज है, आपके हाथ तो फिर वार्म्थ से ना मेकअप आपके फेस पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है, ब्लेंडिंग अच्छी होती है, आप किसी से भी आर्टिस्ट को एंड एट द एंड वो कहीं ना कहीं हाथ फिर से जरूर करेगा, क्योंकि ब्रशेस टूल्स हैं और आपका हाथ एक मेन अल्लाह ताला की तरफ से टूल है, तो एक नेचुरल चीज है, तो ये करना पड़ता है, ठीक है, यानी कि अगर अगली दफा आपका मेकअप आर्टिस्ट अगर उंगलियों से कुछ कर रहा हो तो यार इट्स ओके। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो आपको क्या लगता है कि मैंने क्या बनाया है फेस पे? यार कुछ भी बनाया हुआ होगा, I don't know. मैंने दी थी। क्या हिंट दी थी? कि कुछ क्यूट सा है। तो क्यूट तो इतना कुछ, आई थिंक आई डोंट नो, फूल बना लिया आपको दिखाती हूँ। हाँ दिखाओ। पक्का? आई श्योर? आई एम रेडी, यस। प्लीज दिखा दो। प्लास्टिक चेंज होगा पर, ओके, 1 2 3। I love it. Oh my goodness. Samosi, you are purely talented. मतलब this is pure talent यार, मतलब, और मैं सबसे ज्यादा हैरान, पता है क्या हूँ, ये 10 मिनट में कैसे किया है? मैं तो मतलब मुझे मैं सच बात ये कह रही हूँ, मेरा सब बिल्कुल मूड होने का दिल नहीं कर रहा अब, मैं चाह रही हूँ मैं ऐसे ही चली जाऊँ घर। Hi, I'm a cloud.
दिस इज माई हिना अल्ताफ लुक एंड नाउ दिस इज द समोसी लुक. मुझे बताओ कि वैसे तो अगर हम आसमान को देखते हैं तो आसमान ब्लू होता है, लेकिन आपने पर्पल यूज किया हुआ है. क्योंकि मैंने ये ऐसा लुक इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वार्डरोब क्या होगी और आपने क्या पहना होगा. मैंने ऐसा लुक चूज किया जिसका मैं कोई भी कलर कर सकती हूँ, वो इजीली ना उसी पॉइंट पे मैं कलर चेंज कर दूँ उसका. मैं फ्लावर्स नहीं करना चाहती, वो बहुत ज्यादा चाइल्डिश लगता, तो मैंने इसलिए डिसाइड किया कि मैं कुछ क्लाउड्स करूंगी वो आपके कपड़ों के साथ मैच करेगा उस पॉइंट पे. बट आई लव इट लव इट लव इट. अच्छा पता है मुझे कौन सी फीलिंग आ रही है अभी, जो स्कूल में फेस पेंट नहीं होता था कि टीचर फेस पेंट करेंगी फेस पेंट करवाएंगे बैठे, तो मुझे बिल्कुल वाली फीलिंग आई है. और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी ये हो रही है इसको देख के कि अच्छा मैं ना थोड़ा डर भी रही थी. मैं सोच रही थी यार पता नहीं मेरे चेहरे पे मैं पहली दफा ऐसा मेकअप करवा रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा. बट जब मैंने अपने आप को आईने में देखा, मैंने कहा यार आई लुक नाइस, मैं तो अच्छी लग रही हूँ. मैं ऐसे ही घर चली जाती हूँ बादल बन के. बट थैंक यू सो मच समोसी फॉर कमिंग ऑन द शो, बहुत शुक्रिया. समोसी मुझे एक चीज बताओ कि जितनी भी यंग लड़कियां इस वक्त आपको दिख रही, बल्कि यंग ही क्यों सारी लड़कियां जो आपको दिख रही हैं, उनको क्या सजेशन दोगे इफ दे वॉन्ट टू कम इन दिस फील्ड. यही है कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि नहीं इसका कोई स्कोप नहीं है ऐसे, बट नहीं स्कोप है, आई विल सपोर्ट यू, डोंट गिव अप. ये आज के वक्त में कोई नहीं बोलता कि आई विल सपोर्ट यू, प्लीज आओ. जबकि आप जब देखते हो इर्द गिर्द तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है हर जगह. सो समोसी आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू. मुझे लगता है कि आप बहुत मेहनत वाला काम कर रही हैं. मैं हमेशा ये 40-50 सेकंड की वीडियोस देख के स्वाइप कर दिया करती थी और मैं कहती थी ओह नाइस, लेकिन मुझे आज एक्चुअली में पता चला है किस कदर मेहनत वाला काम है. और प्लीज हर आर्ट, हर फॉर्म ऑफ आर्ट की इज्जत हमें करनी चाहिए है. थैंक यू सो मच समोसी, एंड आई होप कि आप सबको आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा. मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में. टिल देन कीप वॉचिंग गर्ल्स ओनली एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. तो मैं ये चीज बता दूं कि जो टेबल है, जो सेटअप है, सब कुछ जो आपको दिख रहा है, अगर इसमें से कुछ भी आपको चाहिए हो, आप जाएंगे जुबैदास होम स्टोर ऑनलाइन, ये सारी चीजें आप वहां से खरीद सकते हैं. Hi, hello everybody. This is me, Hina Alta. Welcome to an exciting episode of Girls Only. I have with me none other than Wardha Qureshi. मेरा first year यहाँ पे स्कूल में और मैं फिट रही हूँ. सस्पेंशन की वार्निंग भी मुझे ही मिल रही है. ये बहुत सीन है कि भाई आप किसी दोस्त की शादी पे जाते हो तो रिश्ते आते हैं. मैं एक रिंग ऐसे पहन के जाती हूँ, कभी कभी मैं बोलती हूँ आई एम एंगेज, सॉरी आंटी आई एम एंगेज. मेरे साथ इस तरह भी हुआ था कि ओपीडी तक में लोग रिश्ता देने आ जाते थे. वो लिखते हैं डब्बे में डब्बा वाला, डब्बे में केक, हमारी दोस्त लाखों में एक, और पता नहीं इस तरह के शेयर तो लिखते थे. मन को सजाने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से जाना नहीं.